अब मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ, हमारे ट्यूबवेलों के बिल मुश्किल हो रहे हैं, घरों के मुश्किल हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, काम है नहीं है, क्या करें। अब एक सरकार दिल्ली में दे रही है और पंजाब में दे रही, क्यों हमारे आने वाले क्यों ना ले, हम भी फ्री लेंगे, इसलिए हम केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने कितना बुरा हाल कर रखा है, नौकरियां हैं नहीं, सब बेरोजगारी इतनी हो रखी है। सेक्टर 25 पंचकुला में जीएसटी भवन है, उसमें सिर्फ 2 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, पूरा भवन खाली पड़ा है। ये हालात है हमारे हरियाणा के। आज हरियाणा के अंदर जो हमारा शिक्षा को लेकर है वो बिल्कुल ही बेकार है कि स्कूल तो है लेकिन उनमें टीचर नहीं है, क्लिनिक तो है लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, प्रदेश में चुनावी हलचल भी तेज हो रही है। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहा है वह है अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रही हैं और इस वक्त यमुनानगर की विधानसभा सढ़ोरा में इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहां अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटी है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहां आए हैं, मन में क्या बात लेकर आए हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव है और मैं एक हरियाणा का नौजवान। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है सढ़ोरा में, जिसमें केजरीवाल जी की वाइफ आ रही है, सुनीता केजरीवाल जी। यहाँ पर ये 5 गारंटियाँ देने आ रही है। एंड हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने कितना बुरा हाल कर रखा है, नौकरियां हैं नहीं, सब बेरोजगारी इतनी हो रखी है। अभी HCS की पोस्ट निकाली थी इस साल, उसमें कुल 2 TSP की पोस्ट निकाली, पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 TSP की पोस्ट खाली है। सेक्टर 25 पंचकुला में GST भवन है, उसमें सिर्फ 2 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, पूरा भवन खाली पड़ा है। ये हालात है हमारे हरियाणा के। हमारे कभी खट्टर जी बन जाते हैं CM, कभी नायब सिंह सैनी जी बन जाते हैं बिना चुनाव लड़े, बताइए क्या करें। नौजवानों का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। रोजगार को लेकर आपने अपनी बात रखी, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पे अपराध क्या बढ़ रहे हैं हरियाणा में ज़्यादा, अगर बढ़ रहे हैं क्या, तो क्या सरकार जो इस पर कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, नेता भी मरने लग गए हैं। नफे सिंह सैनी जी जो इनेलो के वो थे अध्यक्ष, उनका भी देखिए आप किस तरीके से कत्ल कर दिया गया, रेलवे फाटक के पास उनकी गोलियां मार के हत्या कर दी गई। उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई करी है, आज तक वो हत्यारे पकड़े नहीं गए। सरकार बोल रही है अपराध हो रहा है लेकिन उसको ट्रेस कर लिया जाता है, ट्रेस करके क्या करेंगे, अपराध तो हो गया ना, जिसकी जान जानी है उसकी जान चली गई, जान वापस नहीं आ सकती, उसको कंट्रोल करे सरकार, उसके लिए क्या कानून निकाले सरकारों ने। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 मुद्दे बताए गए हैं, जैसे फ्री शिक्षा होनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए और उसके अलावा फ्री बिजली होनी चाहिए, जैसे पंजाब में या दिल्ली में ऐसे आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, आपको लगता है कि हरियाणा में इस बात की डिमांड उठ रही है, क्या जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले हमने इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को देख लिया है कि जो हमारे उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरे। आज हरियाणा के अंदर जो हमारा शिक्षा को लेकर है वो बिल्कुल ही बेकार है कि स्कूल तो है लेकिन उनमें टीचर नहीं है, क्लिनिक तो है लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। और ऐसे ही जो हम अब कह रहे हैं कि हमारी जो आम आदमी पार्टी सरकार है, अगर ये कल हरियाणा में सरकार बनेगी और जरूर आएगी, इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने 5 मुद्दे बोले हुए हैं कि फ्री शिक्षा मिलेगी, बिजली बिल फ्री आएंगे और स्कूलों में अच्छे टीचर आएंगे, क्योंकि इससे पहले दिल्ली और पंजाब के टीचर बाहर मतलब की ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे, उसके बाद अभी पिछले से बहुत अच्छा मतलब की बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तो जिससे हम अभी आशा है क्योंकि हमने दोनों सरकारें देख ली हैं, इस बार आम आदमी पार्टी सरकार। आपको लगता है कि यहाँ पर भी फ्री बिजली या फ्री शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं या रोजगार, ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए सर, बात फ्री की नहीं होती, सरकार का एक हक है भी जो वो जनता से ले रही है, तो कुछ उसमें कुछ वो जनता को भी दे उसमें कुछ है। अब ये छोटे छोटे जो MLA हो गए, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे घरों से आके बड़े बड़े घर बना लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन जो हमारा शिक्षा हो गया, स्कूल हो गया, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी सरकार आएगी और हरियाणा में अब की बार आएगी और जो फ्री शिक्षा है और स्कूल है जरूर आएगा। जी
अभी जिन जिन से हमारी बात हुई है, एक बात जो खुल के सामने आई है वो यह है कि यहाँ जो जनता है वो भी मांग करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए और फ्री बिजली होनी चाहिए। कुछ माताएं हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप ये बताएं क्या फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री होना चाहिए क्या? तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है हमने बहुत काम किए हैं, आपका क्या कहना है? कहना क्या जमा तो कुछ मिली नहीं, मरीजी भी तो कुछ नहीं, मानो कुछ नहीं मिला। देखो सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटी की बात की है, चाहे उसमें फ्री शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रदेश की ऐसी डिमांड है क्या? बिल्कुल है जी, हरियाणा की डिमांड है। हम लोग सुनीता केजरीवाल जी को सुनने आए हैं और पंजाब की बात सुन रहे हैं, हम दिल्ली की सुन रहे हैं, आम जनता है, कोई हम नेता नूता तो है नहीं, आम जनता है। जे दिल्ली में दे सकते हैं, ये पंजाब में दे सकते हैं, तो हरियाणा को क्यों डिमांड नहीं है? हमारे बच्चे हैं, पढ़ेंगे जब शिक्षा आएगी, ऐसे तो वो पैसा पूरा कर ही नहीं सकते। कोई शिक्षा ही करके पैसा कमाया जा सकता है, और तो कोई इलाज है ही नहीं है। दूसरा, बिजली के बिल भरने आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहे हैं। मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ, हमारे ट्यूबवेलों के बिल मुश्किल हो रहे हैं, घरों के मुश्किल हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, काम है नहीं है, क्या करें? अब एक सरकार दिल्ली में दे रही है और पंजाब में दे रही, क्यों हम हरियाणा वाले क्यों ना ले? हम भी फ्री लेंगे, इसलिए हम केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं हरियाणा में, आपराधिक जो है वो दर बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार प्रॉपर कार्रवाई कर पा रही है जो अपराध हो जाते हैं? सर, अपराध का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे बेरोजगारी। जब कोई बच्चे जो हैं वो रोजगार नहीं पाएंगे तो इधर उधर गलत कामों में लग जाते हैं। दूसरी चीज़ है नशाबाजी, नशाबाजी और बेरोजगारी से ही क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। और इस ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये इस चीज़ में बिल्कुल विफल है। नशा भी यहाँ पे दबा के हो रहा है और यहाँ पे बेरोजगारी भी दबा के, इसी वजह से यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है। तो अब सरकार कह रही है जो अपराध होते हैं उनको ट्रेस कर लिया जाता है, अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। अब एक चीज़ बताइए, चोरी होने के बाद चोर को पकड़ लोगे तो क्या फ़ायदा होगा? उससे पहले उस चीज़ को रोकना चाहिए ना कि हाँ भाई वो बच्चे वो गलत जाए ही ना, उनको शिक्षित बनाए, उनको रोजगार दे, उनको नशे से दूर रखें, नशा बंद करें यहाँ पे। अगर वो ये सब चीज़ बंद करेंगे तो वो अपने आप ही गलत काम बंद हो जाएंगे। अगर वो फिर भी ये सरकार इसी चीज़ में तो विफल है कि वो वाली बात हो गई है कि एक बार सांप निकल गया पीछे से लकीर पीटते रह गए, अब अपराधी तो बन गया, उसके बाद उसको पकड़ के जेल में डाल जाते, बर्बाद। सर, आपसे पूछेंगे जिस तरीके से फ्री शिक्षा की बात हो रही है, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार चला रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में भी फ्री शिक्षा को लेकर बात होनी चाहिए? मैं खुद एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, कॉलेज 12 साल पढ़ाया है मैंने, और मैं देखता हूँ कि हमारे हरियाणा के अंदर जो शिक्षा का बेहाल सिस्टम इन्होंने कर दिया है, शायद ही किसी सरकार में हुआ होगा। हमारे शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र से होते हुए हमारे शिक्षा के विभाग के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, हमारे सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे है, इतने बच्चे होने के बावजूद वहाँ पे एक एक टीचर है। आप खुद बताइए ये संभव है क्या, एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? नहीं संभव। तो इन्होंने हमारी शिक्षा नीतियों के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमारी शिक्षा क्षेत्र को इन्होंने भट्ठा बिठाने का काम किया है मौजूदा सरकार ने। अब बड़ी उम्मीद है हमें आम आदमी पार्टी से, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर बेहतरीन स्कूल कर दिए, पंजाब के अंदर बेहतरीन स्कूल कर दिए, हम चाहते हैं हमारे हरियाणा को भी ऐसे शिक्षक मिले, ऐसे स्कूल मिले, जो हमारे शिक्षक जैसे वहाँ पे फॉरेन कंट्री जाके तैयार होके आते हैं, फिर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ उसी तर्ज के ऊपर हमारे हरियाणा के अंदर भी शिक्षा क्षेत्र के अंदर बेहतरीन कार्य होने चाहिए।